गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास फोर्थ में सीखेंगे आज डिवाइड करना। डिवाइड का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं ज्यादा क्वांटिटी में और हम पैसे दे के आते हैं, यदि आपको उसमें से यह निकालना हो कि एक वस्तु का, एक थिंग का क्या कॉस्ट है, मैनी थिंग्स बहुत सारी चीजों की कॉस्ट आपको पता हो और वन थिंग की चीज का कॉस्ट आपको निकालना हो तो डिवीजन काम आती है। तो चलो सीखते हैं डिवाइड करना। तो आपको जहां तक टेबल आते हैं, ज्यादातर बच्चों को 20 तक टेबल आते हैं, तो 20 तक डिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु यहां जो टेबल है वो है 37 का, और 37 का टेबल तो याद नहीं है हमको। तो आप ऐसे 37 वन जा 37, 37 टू जा, तो 27 जा 14 का 4, 1 कैरी, 23 जा 6 और 17। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर करके इसको लिख सकते हैं, ये तरीका होता है। और दूसरा एक एस्टिमेशन मेथड होता है, आप अंदाजा लगा लगा कर करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले या मैं आपको टेबल लिख के सिखाता हूं। तो आप देखेंगे ये 37 है और यहां लिख रहा है 5, तो 5 तो कम डिजिट है, तो 2 डिजिट ले लीजिए, ये हो गया 56। 56 ज्यादा है 37 से, तो आपको अगला डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 56 ठीक है, तो 37 वन जा 37, 37 टू जा 74। 74 बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है 56 से, तो ये ठीक नहीं है। इसकी जगह ठीक क्या है, वंजा। आप वंजा पर ले जाइए और क्या लिख दीजिए यहां, 37। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होता नहीं है, तो यहां से बोरो ले लिया 16, 16 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिला 9। ओके बेटा, अब यहां बचा 4, 4 में से 3 गया 1। अब अगला नंबर क्या हो जाएगा, यहां से इस नंबर को ऐसे उतार लीजिए ऊपर से, ओके ये आ गया 3। अब आप देखेंगे, काउंट कीजिए नंबर को, 37 5 जा 185, छोटा है। अगला आप देखते हैं तो बड़ा है, तो बड़ा तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या अच्छा रहेगा, 5 जा, तो 5 जा यहां पर लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए 185। ये क्यों लिखा मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर 37 6 जा आप करेंगे तो वो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलिए 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, अब कैरी ले लीजिए, बोरो ले लीजिए 13 में से 5 गए 8, यहां बचा 8 में से 8 गया 0। ओके अगला नंबर है 7, ओके अब आप देखेंगे 37 जा तो कम है, 37 टू जा भी कम है, लेकिन 3 जा ज्यादा हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। इससे ठीक क्या है, 2 जा पे आप ले जाए ताकि सब्ट्रैक्ट हो सके, तो यहां 74 आप लिख दीजिए, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, और यहां है 8 में 7 गया 1, अगला नंबर है 0। देखिए 37 4 जा 148, तो इससे बड़ा नंबर है, तो 3 इसके लिए ठीक है, तो आप 3 पर ले जाइए और यहां लिख दीजिए 111, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 0 से 1 नहीं है, तो बोरो ले लीजिए 10 में से आप 1 चला गया, तो कितना हुआ 9, और यहां पर है 2 में से 1 गया 1। आप यहां से नंबर को उतार लें, कौन सा नंबर ठीक रहेगा, कितने, कौन सा टेबल ठीक रहेगा, 37 6 जा देखिए ज्यादा है, 37 5 जा ठीक है, ओके कितना आ गया बेटा, यहां पर आ गया 185। सब्ट्रैक्ट कीजिए यहां से 14 में से 5 गया 9, 8 में से 8 गया 0, ये हो गया आपका रिमाइंडर।
तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार के मैं आपको सवाल दूंगा और आप उनको अपनी नोटबुक पे कर लेना।